हेलो दोस्तों, कई सारे महिलाएं नवरात्र व्रत जरूर करती हैं, या यूं कहिए कि मैक्सिमम महिलाएं करती हैं। पर क्या आपको पता है, नवरात्रि व्रत के बीच में अगर पीरियड आ जाए, माहवारी आ जाए, तो क्या करने चाहिए? क्या व्रत के फायदे उन्हें मिलेंगे या नहीं? इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताने जा रही हूँ। आपको भी पता है दोस्तों, मासिक धर्म के दिनों में प्राचीन काल से ही ऐसा चला आ रहा है कि हिंदू महिलाओं को धार्मिक कार्य नहीं करने को कहा जाता है। इस वजह से महिलाएं मंदिर भी नहीं जाती, पूजा पाठ और सामान और मूर्ति को हाथ तक नहीं लगाती हैं। यहाँ तक कि महाभारत काल से ही ये प्रथा चली आ रही है। इस्लाम में भी माहवारी के दौरान औरत को नापाक माना जाता है, उसे इबादत की अनुमति नहीं होती है और कुरान भी नहीं छू सकती। औरत सातवें दिन स्नान के बाद पाक होती है। अब बात आती है, क्या नवरात्रि में माहवारी आ जाए तो क्या करना चाहिए? इस पर लोगों की अलग अलग मत है। आप मान लीजिए, नवरात्रि के कुछ फास्ट करने के बाद अगर आपका मासिक धर्म आ जाता है तो क्या व्रत बीच में छोड़ देनी चाहिए? अगर मान लीजिए आपने शुरुआत किया है व्रत का, एक दिन हुआ है और मासिक धर्म आ जाए, तो आप क्या करेंगे? दोस्तों, जिसकी शुरुआत हो चुकी है उसको पूर्ण करना जरूरी है, बशर्ते कि हम थोड़ा अलग रहें, पर व्रत को न तोड़ें, व्रत को कंटिन्यू कर सकते हैं। आप अपनी परंपरा का भी रिस्पेक्ट करें। इसके लिए आप पूजा करने से थोड़ा दूरी बना लें। जिसकी शुरुआत हो चुकी है उसको तो पूरा करना ही पड़ेगा। दोस्तों, आप व्रत करते रहें, पूजा पाठ नहीं करें, आपको उतना ही फल मिलेगा और देवी प्रसन्न होंगी, क्योंकि इसमें आपकी गलती नहीं है, ये प्रकृति का चक्र है, इसलिए चिंता नहीं करें। आप खुद सोचिए दोस्तों, ये आपने नहीं किया है, ये तो एक चक्र होता है जो हर एक महिलाओं के साथ होता है। पूजा पाठ आपके मन और आपके विचार से होता है। कई परंपराएं बहुत पुरानी हैं जो उस समय के लिए सही थी, लेकिन आधुनिक युग में कुछ चीजें बदल गई है, इसलिए आपको थोड़ा चेंज लाना जरूरी होगा। इसलिए अगर माहवारी आ जाए तो व्रत नहीं तोड़ें, व्रत को पूरा करें। बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है, दूरी बना के रखना है और व्रत को पूरा करना है। तो आशा करती हूँ ये जानकारी आपको काफी अच्छी लगी होगी। आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।